अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आपको आसानी अता करे, आसानी तकसीम करने का शर्फ अता करे, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैं आया हूँ शाह लतीफ़ टाउन चौकंडी कराची, और मैं सुबह जाऊँगा जी यहाँ से इंशाल्लाह लांडी, वहाँ से लेंगे टिकट, लांडी स्टेशन से मैं बैठूँगा और मैं जाऊँगा जी इंशाल्लाह जेहलम पंजाब अपने घर सुबह, और आपसे मिलते हैं जी सुबह इंशाल्लाह, आप हमारे साथ रहिएगा। चाय पियो। चाह पीबी निकली फिर के ख्याल है। ट्रेन उतो निकलेगी कैंट बिचू 1 बजे, सवाई कितने पहुंचेगी? कर लें जी नाश्ता, फिर चलते हैं जी हम लोग लांडी स्टेशन। आज हम जा रहे हैं अपने पंजाब, अपना कार अपना ही है जी, ये वर्ती कार। ठीक है मलिक साहब, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये है जी कराची, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और ये है जी चौकंडी। ओ तुम क्या करता है? पैसा दे। हाँ। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? चिकन का क्या रेट है? चिकन का बाकी के लिए 280 है, तेरे लिए 1000। क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? जराक लाल है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जाना है जी आमिर भाई? अभी हमने जाना है लांडी पागलखाने नुमान बरकत छोड़ने। पागलखाना नजदीक नहीं है क्या? नजदीक ही है ना, लांडी जहाँ से आपको सीटी करानी है साथ ही पागलखाना। अल्हम्दुलिल्लाह जी सफर शुरू हो चुका है मेरा कराची से जेहलम का। अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे डिग रोड स्टेशन पर, वहाँ से लेंगे टिकट जेहलम की, और फिर हम जाएंगे लांडी स्टेशन पर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़ कराची, बाय बाय। हम लोग अभी पहुंचे हैं जी रिंग रोड स्टेशन, यहाँ से कराते हैं टिकट। पाकिस्तान की गलती दे रही है जेलम। पाकिस्तान का कितने बजे? 1:00। ठीक है, कोई इशू नहीं। मोबाइल नंबर? ये आ गई जी हमारी टिकट, हम जा रहे हैं जी वापस जेहलम इंशाअल्लाह अपने घर। ये मेरी टिकट आ चुकी है जी, अभी पाकिस्तान एक्सप्रेस, पाकिस्तान है ना कमर, पाकिस्तान एक्सप्रेस कल इंशाअल्लाह 1 बजे रवानगी होगी। जी है बुट्टो जी थे लभ्यो थी कुट्टो। कराची धरना सिंध असेंबली, नाश्ता लेकर आओ। नाश्ते में डंडे खाएंगे? एक हाफ फ्राई और एक ऑमलेट। अच्छा, मैं भी लेकर आती हूँ ना सर।
ओके कमर भाई, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी टाइम देने का। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये आ गया जी मेरा टिकट और मेरी ट्रेन है जी 1 बजे कैंट स्टेशन से, लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं जी लांडी स्टेशन पर, क्योंकि हमें नज़दीक पड़ता है लांडी स्टेशन। और लांडी स्टेशन पे अमर किस टाइम पहुँचेगी? 15-20 मिनट। तो अभी टाइम हो चुका है जी, 5 मिनट बाकी हैं। और अमर भाई कितना दूर है लांडी? 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। अभी टाइम क्या हो रहा? अभी 12:50 गया है। हम लोग पहुंच चुके हैं जी शाह लतीफ ट्रैफिक स्टेशन, जिला मलीर कराची। अभी हम लोग पहुंचे हैं जी लांडी स्टेशन के पास। ठीक है आमिर भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपने बहुत टाइम दिया मुझे। मेरे व्लॉग देखिएगा, मुझे याद कीजिएगा। ब्लॉग में क्या फिर नीचे कमेंट सुना पड़ी हो, कमेंट अच्छा लिखो। अगर ये अंदाज ना हो ना बात करने का, तो पता लगता नहीं कि बंदा कराची का है। ये आ गया जी पुल लांडी वाला, और अभी हम लोग चलते हैं जी स्टेशन की तरफ। टाइम हो चुका है जी 1:07 और गाड़ी आएगी जी 1:20, क्योंकि वो लांडी से निकलेगी 1 बजे, लांडी से सॉरी वो कैंट से निकलेगी 1 बजे, और लांडी पहुंचते पहुंचते 20 मिनट लगा देगी। अमर भी आप प्लेटफॉर्म टिकट ले आओ और मैं अपना सामान निकाल लूँ। ठीक है, चले आमिर भाई हम लोग चले जी। अभी हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, अजाने जोहर हो रही है। आपने कहाँ जाना है? शोरकोट कैंट। शोरकोट कैंट, ये जी हमारे हम सफ़र हैं, ये उतर जाएंगे शोरकोट कैंट। आप किस टाइम पहुँचेंगे वहाँ पे? सुबह साढ़े छः बजे मैं पहुँचूँगा इंशाल्लाह, शाम 6 बजे। हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है जी, कितनी लेट है आमिर? अभी तक 1 घंटा हो गया लेट। 1 घंटा लेट है जी। हम लोग भी बैठे हुए हैं लांडी स्टेशन पर, और मैंने ये रखा हुआ जी अपना सामान, मेरे हैं 1, 2 और ये 3, और ये पहनूंगा जी मैं इंशाल्लाह जब क्रॉस करेंगे हम लोग नवाबशाह। जब नवाबशाह क्रॉस करूंगा तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और कैप रखी हुई मैंने अंदर, गर्म कैप, वो पहनेंगे जी इंशाल्लाह जब नवाबशाह क्रॉस होगा बहावलपुर के नज़दीक। यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी है, आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग छाँव में बैठे हैं। धूप वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं है, जो धूप में खड़े हैं वो मजबूरी में खड़े हैं, क्योंकि हमें सीट जगह नहीं मिली छाँव में। है आमिर, हम लोग धूप में बैठ के आगे
ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई है जी, ये हालात हैं जी यहाँ के कराची के। आमिर क्या होगा तेरा? मेरा कुछ नहीं, मेरा तो थोड़ा सफर है, तू सोच तेरा क्या होगा? क्या हुआ? अगर आगे 35 घंटे सफर हो गए फिर क्या होगा? 35 घंटे नहीं होगा इंशाअल्लाह, 24 घंटे में मुझे जेल पहुँचा देंगे। कितनी लेट है भाई पाकिस्तान? क्या कहते हैं? अभी कह रहा है कुछ चली है। कहाँ से? कैंट स्टेशन। कैंट, हम लोग भी बैठे हैं ट्रेन के इंतज़ार में और हमें ट्रेन लेट हो गई है जी, 2.5 से 3 घंटे। 1 बजे का टाइम था और अभी टाइम हो चुका है जी। टाइम क्या हो गया? 3 होने वाले, तो मतलब 2 घंटे ट्रेन लेट है। और अभी आधा घंटा मतलब अभी हमने चेक किया जी गूगल मैप पर और अभी अभी चल पड़ी है वहाँ। 3:26 का गाड़ी का टाइम दे आ जाए। सही यार, हमने बैठे हुए जी यहाँ भी दरख्त के नीचे, गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में और सभी बैठे हुए छाँव में। इंतज़ार। हम कर रहे हैं जी यहाँ पर इंतज़ार, आमिर भाई भी मेरे साथ ही फंसे हुए हैं, गरीब है फंसे हैं मेरे नाल। इनको बोला जी, मैंने कहा कि आप चले जाएं, तो ये कहते नहीं मैं आपको बिठा के जाऊँगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वैसे भी अकेला हूँ। हाँ, ये कहते हैं वापस ना आ जाओ इसलिए बिठा के जाऊँगा, गाड़ी हैदराबाद क्रॉस करेगी तो फिर मैं घर जाऊँगा। अभी इंतज़ार हो रहा है, मैं इंशाल्लाह 28 घंटे में झेलम पहुँच जाऊँगा आप सबकी दुआओं से। लेकिन आमिर भाई की जो दुआएं हैं वो 35 घंटे वाली हैं। आमिर भाई आपके मुंह में पान और गुटखा, ठीक है आमिर भाई? 28 घंटे में तेरी सुई इक्को जगह रेडी है। तीन पर आ रही, उधर आ रही। चलो यहीं खड़ा रहे तेरा हुए। बारह आ गया जी, देखो हमारा नदी में जो भी फोन आ रहा है दोबारा। चल ठीक है, ओके अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठ चुका हूँ जी ट्रेन में और मेरा सफ़र शुरू हो चुका है कराची से झेलम का। आप हमारे साथ रहिएगा इस सफ़र में, अल्लाह पाक आप पे अपना करम, अपना फजल, अपनी रहमत करे, अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो। इसी दुआ के साथ नमान पढ़ के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।